हाय गाइस, कैसे सब लोग। सो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सपायरी डे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी क्या होता है और हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, नीचे लिंक दिया उसको क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो, तो एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है। तो आज अपन देखने वाले एक्सपायरी स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग। आपको पता है पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का एक्सपायरी होता है हर महीने के 30 तारीख को, थर्सडे फ्राइडे, आपको सब पता है। सो ये इस दिन ट्रेडिंग करने का फायदा देखो क्या है। तो बेसिकली व्हाट इज कॉल ऑप्शन एंड व्हाट इज पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब है जहां पे आपको फ्यूचर में बाय करने का राइट मिलता है, एंड सेल ऑप्शन मतलब आपको सेल करने का अधिकार मिलता है विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, क्योंकि वर्ड क्या है, ऑप्शन। वर्ड क्या है, ऑप्शन है, करेक्ट ना। सो बेसिकली कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है। तो नाउ अनदर एडवांटेज कि आपको लीवरेज का बेनिफिट मिलता है। जैसे आपको पता है कि अपने को कुछ मार्जिन अमाउंट देना पड़ता है 10% अराउंड, एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड आप पूरा शेयर का लॉट बुक कर सकते हैं। तो 5 लाख रुपए का अगर वो लॉट है तो आप 50,000 बुक कर सकते हैं, एंड आपका जो लॉस होगा वो जो प्रीमियम हो आपका लॉस हो सकता है, प्लस एक्स्ट्रा जो लॉस होगा वो भी होगा, बट प्रॉफिट पूरा हो सकता है। सो इसमें रिस्क एलिमेंट हमेशा ज्यादा होता है, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में रिस्क हमेशा ज्यादा होता है, इवन कंपेयर टू शेयर मार्केट रिस्क इज हायर, रिवॉर्ड भी ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होने वाला है। चलिए, तो व्हाट इज एक्सपायरी डे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। ऑप्शन मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। अगर आपको लगता है कि अभी एसेट का प्राइस 100 रुपए एक शेयर का, वो आगे जाके 115 रुपए होगा, तो वो आपको खरीदना है एक्सपायरी डे पे, ऑन द assumption दैट कि 100 का 115 होगा, ठीक है। नाउ तो एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे कि XYZ कंपनी, आपको लगता है कि इसका प्राइस बहुत बढ़ रहा है एक्सपायरी डे पे, है ना, और वो और बढ़ने वाला है, अभी एक्सपायरी डे कुछ डे दूर है। तो आप डिसाइड करेंगे कि चलो इसका अपन खरीदते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपने खरीद लिया। नाउ तो इसमें पहला जो स्टेप है, कॉल ऑप्शन खरीदने से पहले क्या क्या को ध्यान रखना है, स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद उसका प्रीमियम कितना है, है ना। प्रीमियम मतलब आपको 5 लाख का अगर वो लॉट है तो आपको प्रीमियम 10% देना पड़ता है, 15%, ये डिपेंड्स होता है, स्टॉक टू स्टॉक वेरी होता है, बट 10% के आसपास पकड़ के चलना, तो ये आपको देना पड़ता है, करेक्ट ना। सो अकॉर्डिंग आपको देना पड़ता है कि एक्सपायरी डे पे कितना होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। सेकेंड, बाय द कॉल ऑप्शन, करेक्ट ना। तो एक्सपायरी डे के पहले आपको खरीद कर रखना है स्ट्राइक प्राइस पे, उसके बाद स्टॉक का प्राइस मॉनिटर करना है। जैसे आपने अपने 100 में लिया था, उसका अगर 115 रुपये होता है तो आपके लिए बेनिफिट ही है, 15 रुपये का आपको फायदा है। सो वही दिया कि आप उसको मॉनिटर करो द मोमेंट हिट स्ट्राइक प्राइस, कि आपने आपका स्ट्राइक प्राइस इतना था कॉल ऑप्शन का 115, अपन ने 100 में लिया था एंड वो स्ट्राइक प्राइस हिट हो गया 115, तो आपका 15 रुपये का फायदा हो गया। देन उसके बाद अगर वो फायदा होता है तो उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करो, करे ना, आप कंपनी के शेयर्स क्या कर लो, बाय कर लो, बाय करेंगे आपको 15 रुपये का फायदा होगा, करेक्ट ना। या फिर एंड उससे अगर ज्यादा होता है तो उसको सेल भी कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एक्सपायरी डे का ट्रेडिंग करते हो उसमें जो सबसे मेन चीज जो मेरे को लगता है कि अगर वो उतना मूव नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा था कि 100 का 115 होने वाला है ऐसा आपको लगता है इसलिए आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, वो नहीं हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लॉस मेरा कितना हो सकता है, प्रीमियम कितना है, और अगर शेयर और नीचे गया तो वो भी पैसा ब्रोकर को देना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो सब आपको जानकारी होना जरूरी है, तो उसी हिसाब से करो। ऐसा हो जाए कि यू हैव नो मनी, यू रन आउट ऑफ मनी, देन देयर इज नो पॉइंट, करेक्ट ना। सो इसमें मैक्सिमम लॉस कितना हो ये ध्यान में रख के आपको इन्वेस्ट करना है। अब इसके फायदे किसको है एक्सपायरी डे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी को, पहला आपको लीवरेज का बेनिफिट मिलता है जो आप सबको बताइए कि मिनिमम मार्जिन में यू कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, लॉस भी मैक्सिमम हो सकता है, रिस्क लिमिटेड है क्योंकि आपने कम मार्जिन ये मतलब जो आपने प्रीमियम पे किया है, करेक्ट ना, सो उतना ही आपका क्या होगा, लॉस होगा। देन ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए फायदा है, उनको लगता है 3 मंथ्स में इतना पैसा हो जाएगा, उनके लिए बेस्ट है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग ऑप्शन खरीद सकते हो। तो गाइस, दिस इज द वे यू कैन डू एक्सपायरी डे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। तो थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय।